प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर फंसे हुए हिमाचलियों की घर वापसी की शुरुआत आज चंडीगढ़ से की गई है। आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना व हमीरपुर के निवासियों को चंडीगढ़ से HRTC की बसों में लाया जा रहा है। वहीं कल यानी 4 मई को बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के लोगों को उनके घर लाया जाएगा। ऐसे में मंडी से हिमाचल भवन चंडीगढ़ के लिए HRTC की 28 बसों को आज दोपहर चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया है। बताते चलें कि ट्राई सिटी में फंसे हिमाचली लोगों को हिमाचल भवन चंडीगढ़ से वापस लाया जा रहा है। वहां उनका चिकित्सीय प्रशिक्षण किया जाएगा और उसके बाद बसों में बिठाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने परसों निर्णय लिया कि जो हिमाचल के स्टूडेंट्स या दूसरे लोग हिमाचल भवन में फंसे हैं चंडीगढ़ में, उनको लाने के लिए बसों का प्रबंध किया गया है। उसी कड़ी में जो बच्चे मंडी आने वाले हैं या जो लोग मंडी आने वाले हैं उनके लिए आज 3 तारीख को 28 बसेज मंडी से जा रही चंडीगढ़ हिमाचल भवन, जो 4 तारीख को उन बच्चों को लेकर के मंडी आएंगे। हम आपके माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का कोई सगा संबंधी वहाँ से आने वाला हो तो कृपया हिमाचल भवन का नंबर नेट से निकाल करके वहाँ संपर्क करें और अपने वहाँ चिकित्सा करवा लें ताकि आने वाले समय में सरकार उसकी प्लानिंग कर सके। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट।